मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अभी ब्लर है तो अभी दिखाई नहीं देता होगा, बाद में आपको दिखा देंगे। अभी इसको किए हैं, कल से इसी में हम बिजी थे पूरा। इस पे पीछे लिखा हुआ भी है सारे चीज पे, यहाँ पे हम सबर इंडिया लिखा हुआ है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, सबसे पहले आप लोग से पूछ लेते हैं कि हे यार कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा जो लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे, तो अभी नेपाल सीरीज अपना चल रहा है, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या, इको का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो अपना रूम है ना पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ एक उधर से बेड लगा हुआ है, इधर एक टेबल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी रूम में इको तो होता ही है, और ऐसे खाली है तो थोड़ा ज़्यादा इको होगा। और अपने फ़ोन में कोई माइक भी नहीं लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। आज आपको हम कहाँ घुमाने वाले हैं, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पोखरा में आपको घुमा रहे थे, लेकिन उस दिन पूरा चीज़ आपको नहीं दिखा पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो कि बाकी रह गया था। अभी मजा आएगा ना वीडियो, चलो देखो। अब मुझे क्यों देख रहे हो, वीडियो देखो ना। क्या है भगवान, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो देखिए भैया जी अपना खाना आ गया है, और नेपाल में आके भी मशरूम, क्या बात है। मशरूम का जान नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना सचिन भैया, अभी छोड़ना ही नहीं है। अभी देखिए इधर मशरूम है, उधर चपाती है, देख रहे हैं। यही होटल था, न्यू फ्रेंडली होम करके है, अब देख लो। आने दीजिए, ये रास्ते का नज़ारा है, और ये लेक आप लोग देखे होंगे, फेवा लेक यही है, यही उधर से होके जाता है, तो उधर हम कल आपको दिखाए थे। ये बहुत बड़ा लेक है, और ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, वहाँ पे ऊपर ना एक टेंपल है, एक नहीं दो टेंपल है, एक शिवजी का टेंपल है और एक शांति स्तूप है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए भैया पहुंच गए हम लोग महेंद्र केव के पास, महेंद्र गुफा, वहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्र केव इंट्रेंस जे। और यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगी हुई है, यहाँ पे ये पार्किंग है। ये देखिए पानी टपक रहा है ऊपर से, इधर लाइट लगाया गया। आइए सचिन भैया, देखिए जाएंगे जा तो पहले आराम से जाना भाई, हम दोनों आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेते। तो लाइए आप भी आ जाइए। अरे बाप रे, अरे इधर बाहर आ गए। माँ तो
भैया बाहर आ गए इधर से, देखिए किधर दिखा रहे हैं कैमरा वाले को भैया को। दो तीन दिन तक ना बदबू नहीं जाती उसकी। हाँ क्या? हाँ उसमें चमगादड़ रहता होगा। चमगादड़ का गुफा है ना वो, और इतना गंदा होता है ना, नीचे पाँव नहीं रख सकते। हाँ क्या? पूरा ऊपर से हकते है तो मुंह पे। सचिन भैया बीएचटी बैट मतलब तो बल्ला पड़े हैं। अरे भैया बल्ला भी पड़े हैं और बैट मतलब चमगादड़ भी पड़े हैं। ये अंग्रेजों की औलाद आके गई ना साला। हम लोग बचपन से पड़े हैं बीएटी बैट पर, जब पांचवी क्लास में थे ना तब से पड़े हैं बीएटी बैट मतलब बल्ला। और साला इन्होंने इतने साल बाद हमको पता चल रहा है कि बीएटी बैट माने चमगादड़ भी हो है। अभी कहा हम क्या फिर से जाए फिर से पड़े क्या करे, जीना छोड़ दे, अम्मा का नाम बदल दो साले तुम। तो देख लिया। अभी देखो कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई तुमने इतना जल्दी कैसे वीडियो खत्म कर दिया और क्या दिखाया। तो आप ही बताओ कि वहाँ पे एक गुफा है जिसका नाम है महेंद्र केव, महेंद्र गुफा। गुफा के अंदर ना आपको ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट लोग दिख जाएंगे। एक कोना में छोटा सा ना कोई वहाँ पे स्टेचू टाइप का या ऐसे बना हुआ है मूर्ति टाइप का रखा हुआ है। वहाँ पे एक पुजारी जी भी रहते हैं, वो झोला झपटी करते रहते हैं अपना, बाकी कुछ भी नहीं है। और कुछ दिखाने लगे उसमें क्या है मतलब, ऐसा तो नहीं कि अंदर मेला लगा हुआ है जो सारी चीज़ को एक्सप्लेन करे बारीकी से, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ज़्यादा टाइम पास करना ना, ऐसे कैमरा को हम चाहते थे स्टार्ट करके पूरा ले जाते जैसे जैसे गए आए पूरा, मतलब 20 मिनट का वीडियो हम बना सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा, टाइम पास करना बनाओ। तो इसीलिए जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी खास करके इस वीडियो में बस इतना दिखाया गया है कि गुफा कैसा था। और हाँ एक बात और, जिधर से हम लोग निकले ना उधर से आप नहीं भी निकलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो जिधर से गए उधर से भी आ सकते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा एडवेंचर करना चाहते थे कि चलो निकलते हैं इधर से देखते हैं कैसा है। थोड़ा पतला है और थोड़ा ना रिस्की है, बाकी कुछ भी नहीं, जो हमारे जैसे लोग होंगे दुबले पतले वो निकल जाएंगे इजीली में, कोई दिक्कत नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। और हाँ अब बात करते हैं, वहाँ पे एक गुफा और है। जब आप महेंद्र केव जाएंगे ना तो वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ना एक गुफा और है जिसका नाम है बैट केव। और देखो बैट केव में क्या है कि वहाँ पे चमगादड़ जो होता है ना वो आपको अंदर जब गुफा में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे चमगादड़ ना लटके हुए दिखाई देंगे, ऊपर से वो गंदा भी करता है तो थोड़ा जाएंगे तो बच के जाइएगा, वो कपड़ा उपड़ा गंदा कर देगा और बदबू बहुत गंदा आता है अंदर में। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इसीलिए हम गए तो थे, शूट भी किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको दिखाने में। अब देखो गुफा सेम है जैसे महेंद्र केव है वैसा सेम आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वही है कि आपको चमगादड़ मिल जाएगा। देखिए क्या है, वीडियो छोटा भी रहना अगर मजा आता है देखने में तो मतलब कुछ लगता है और हमको भी अच्छा लगता है बनाने में भी, और हम भी देखते हैं तो लगता है। तो अभी हम लोग पोखरा से निकल गए हैं और जा रहे हैं काठमांडू के लिए, समझे गुरु। चलिए चलते हैं। तो भैया अभी काठमांडू यहाँ से 110 किलोमीटर है। अभी गौर कीजिएगा ना, अभी बैगन में आपको कुछ अलग दिखेगा, बलर तो है ही लेकिन कुछ और दिखेगा। तो ये आपको क्या अच्छा लगता है, हम ऐसे टेस्ट करने के लिए आज इसका यूज कर रहे हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो सोचा आप लोग से भी पूछ लेते हैं क्या रहा है इसके बारे में। बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा आपको अलग दिखता होगा। चलिए ना अगले वीडियो में बाकी बात करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, इंटरेस्टिंग रखते हैं, शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ना मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे को भी मुस्कान देते रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हाँ एक बात और, अब ये हम सफर इंडिया ना शायद वीडियो थोड़ा कम अपलोड करेगा, लेकिन जो भी करेगा एकदम सॉलिड करेगा। आने वाले ट्रिप में कुछ ट्रिप जो अपने आएंगे उसमें आपको दिख जाएगा, बहुत सारे चेंजेज आपको दिखेंगे, क्वालिटी प्राइमरी रहेगी अपने लिए। आप पॉइंट्स जी ने चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।